तो हेलो गैस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की तारीख है 5 जनवरी और 6 तारीख को मेरा पेपर है। पहले पेपर की जैसे मैंने आपको बताया था DBMS का, जो कि कल पेपर है। और अभी मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। दीपांशु का दीपांशु के साथ सीन ऐसा हो गया है कि दीपांशु को टिफिन आ गया है, लेकिन वो टिफिन खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है बेचारा। देखो उसने अभी मेस वाले को कॉल लगाया। देखो और बाहर में ठंड काफ़ी है, मतलब है बोलते तो। देखो बारिश, वो देखो पूरा आसमान फॉग से भर चुका है। और देखो यहाँ पर बारिश भी आ रही है। ये देखो नीचे में हमारी साइकिल, ये देखो ये पूरा आंगन भर गया है। और अभी जस्ट लाइन आ गई है, अभी लाइन गई थी तो अभी लाइन आ गई। दीपांशु के सामने हमें खाना खा रहा हूँ क्योंकि उसका टिफिन था ही नहीं। अरे ले 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 तभी हमारा खाना खा रहा हूँ। दीपांशु ये जान करा ले। तो भाई लोग, कल हमारा पेपर है DBMS का, तो अभी उसकी पढ़ाई चल रही है जोरदार। दीपांशु हेलो गाइस। तो गाइस अभी जस्ट दीपांशु का टिफिन आ गया है और अभी मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:57 मीन्स 12। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर विंटर 29 को मॉडल आंसर्स। तो गाइस अभी करते हैं हम पढ़ाई, तो पढ़ाई करते हैं उसके बाद कल पेपर हमारा, तो आज दिन भर पढ़ाई करेंगे। देखो यहाँ पर भी मैंने मतलब जो एग्ज़ाम के लिए जरूरी सामान है वो यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर भी चालू रिवीजन। इधर है पेन पेंसिल इरेजर शॉपनर वगैरह जो है। यहाँ पर मेरा जो आई कार्ड है वो, यहाँ पर हमारे हॉल टिकट है मेरे वाली, और यहाँ पर शर्ट है, लेकिन जो पैंट है वो सूखने का थी इसलिए वो बाहर है। फर्स्ट पेपर है हमारे DBMS का SQL ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर कंपेरिजन ऑपरेटर। ओ भारी काम है। तो गाइस देखो हमारा जो पहला पेपर हो गया DBMS का वो भी कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी आज हमारा था इसका DT का। आज की तारीख है 10 जनवरी 2023। तो आज का हमारा पेपर एकदम सक्सेसफुली, मतलब अच्छा गया, एकदम पूरा अच्छा गया। लेकिन जो और अभी अभी आज की तारीख थी 10, तो अभी 3 दिन बाद मतलब 13 को हमारे C++ का पेपर है। तो वो पेपर है एकदम, मतलब वो इजी है तो वो अच्छा चला जाएगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ सीजर, क्योंकि सीजर हार्ड है, तो उसका जो पेपर है वो है 17 तारीख को। तो आज की मतलब 10 ही है, तो 13 का पेपर तो ईजी है, तो वो कर लूँगा एक ही दिन में हो जाएगा वो। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं उसका, मतलब है ही वैसा वो। तो जो सीजर है वो बहुत हार्ड है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए उसको पढ़ाई करूँ। आज के दिन करता 12 बजे तक के, उसके बाद में फिर मैं C++ का लेके बैठा। और मैंने यहाँ पर अभी मतलब चटी कटी, मतलब ऐसे ऐसे, यहाँ पर वाटर बॉटल, यहाँ पर मेरी ये, यहाँ पर चार्जर है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर अभी वो ये वो अनंत पर्सन है, और इधर अपने दीपांशु, और उधर मेरी सीट, मतलब मेरा ये क्या बोलते उसको, स्टडी टेबल। वहाँ पर मैं इसलिए नहीं बैठा क्योंकि जो पैर है वो कहीं ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ठंड बहुत ज़्यादा है। आज नहीं है, बाकी थी। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो में सिर्फ एक ही बार अपलोड करता हूँ, क्योंकि कैसा है मतलब हर दिन व्लॉग करना, ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्जाम के दिन चल रहे, उसमें व्लॉग करना, उसको एडिट करना, उसमें टाइम देना, वो मतलब वही नहीं। तो अभी ये व्लॉग मैं करूँगा अपलोड एग्ज़ाम होने के बाद, मतलब सब कुछ, मतलब 18 क्योंकि 17 को मेरा पेपर कम्प्लीट हो जाएंगे, उसी दिन मैं रात को फिर एडिट करूँगा उसको, फिर अपलोड। तब तक कितने को फिर अभी इतने दिन की जर्नी कैसी रहती तो। तो आज की तारीख है 13 जनवरी और आज मेरे उप्स का पेपर है, उप्स मतलब C++, तो उसकी पढ़ाई हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर मैं धूप खा रहा हूँ, इधर सुबह सुबह पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पर धूप आ गई और इधर इसका काम में चालू है, पिछले साल चालू है इसका काम, तो उसके अंदर स्विमिंग पूल था, जैसे कि आई थिंक उसका व्लॉग नहीं किया मैंने, तो ऐसा कुछ है। जस्ट मैंने खाना खा लिया और अभी यहाँ पर फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गया हूँ मैं। ये देखो यहाँ की धूप अभी वापस चली गई, लेकिन वापस जाऊँगा अभी, और आसमान एकदम साफ है, तो अभी यहाँ पर पढ़ाई चालू है। ये बोलो राइट ए सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ C++। कोड गाइस, मेरा नाना हो चुका है और यहाँ पर अभी दीपांशु खाना खा रहा है।
मेरी मतलब तैयारी हो चुकी है, अभी सिर्फ आई कार्ड वगैरह सब पहनना है, हॉल टिकट लेनी है एग्ज़ाम की, पेन में पेंसिल लेना है, सब कुछ। मतलब पेंसिल का काम नहीं है आज, सिर्फ पेन का काम है, क्योंकि कोड लिखना है सिर्फ, बस बाकी सब हो गया। इधर डिफरेंशियल खाना खा रहा है और इधर कुछ भी नहीं है। ये सीजर का पेपर है फिर अगले दिन, आज ही उप से फिर 17 दिन के, मतलब आज की 13 है तो 14 15 16 3 दिन बाद फिर डायरेक्ट 24 को है फिर ख़त्म। यो तो गैस अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए, अभी 2 बजे हमारा पेपर है, तो भी 1 बजे हम निकलेंगे यहाँ से, तो 1 घंटा वापस हमें टाइम पास करना पड़ेगा, उसके बाद 2 बजे पेपर देना पड़ेगा। चलो, और इधर तब तक कि मैं जो 1 घंटा बचा उसमें भी कर रहा हूँ मैं रिविज़न। जो पतंग भारती उधर वो अभी नीचे गिर गई और देखो मेरे पास है, तो अभी आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो इतनी बड़ी पतंग है, तो अभी जा रहा हूँ मैं एग्ज़ाम देने के लिए। अभी मोबाइल नहीं लेके लेके जा रहा, इसलिए यहाँ पर रख दो मोबाइल। तो चलो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, बाय। तो गाइस आज का पेपर करता हूँ ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम आ गए रूम पे, अभी हाथ पैर धोता फटाफट। और दीपांशु भी देखो यहाँ पर है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे बाल बढ़ गए ऊपर के होगा। और इधर ही प्रज्वल है और इधर दीपांशु है, तो अभी अभी हम दोनों जाएंगे कटिंग करने के लिए। बढ़िया। तो गाइस देखो मेरी कटिंग ऐसे की, मैंने कुछ बारीक एकदम अच्छे से छोटे छोटे मैंने की है कटिंग, क्योंकि मेरे बाल ऐसे गिर रहे, मतलब मुझे हो रहा हेयर फॉल, ये तो इसलिए मैंने ऐसे बारीक कटिंग की। तो अभी देखते भी ना था, पानी लगा दिया मैंने, डव साबुन लगा दूंगा अभी, सॉरी क्या शैम्पू। यहाँ पर देखो अभी दीपांशु पढ़ाई कर रहा है नहीं गाइस पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो अभी मेरी कटिंग ऐसे हो चुकी है एकदम चोंच कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर मैं बैठा पढ़ाई कर रहा हूँ, दुख खा रहा हूँ। इधर किताब है, यहाँ पर पानी की बोतल है, यहाँ पर सन है, और यहाँ पर अभी यहाँ पर जो टेंट है वो सब गायब हो चुके हैं, क्योंकि उसका काम हो गया, लगभग पूरा हो चुका है। ये एक्चुअली एक स्विमिंग पूल है, और ये जो ऊपर का देख रहे हो ये जिम है, और इधर ना स्विमिंग पूल है। तो गाइस बस आज का व्लॉग में बस इतना ही। देखो दीपांशु यहाँ पर है, और जो अगला व्लॉग मिलेंगे वो भी मिलेंगे डायरेक्ट 17 के बाद, 17 को जाऊँगा मैं गाँव को, नहीं तो डायरेक्ट 24 को जाऊँगा, मैं देखता कैसा सीन होता। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।